बात कल का ही थी। ग्रामर में तीन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बुक का मोटी वाली बुक का दो बुक है आपके पास, एक मोटी बुक है एक पतली बुक। मोटी बुक में आठ प्रोज माने कहानी, आठ कहानी और आठ पोएम दिया हुआ है, और पतली वाली बुक में भी आठ लेसन है या सात लेसन है कहानी का। इस तरह से 24 लेसन आपको पढ़ने हैं इसमें। तो आज हम लोग मोटी वाली बुक में पहला प्रोज का पार्ट पढ़ते हैं, कहानी का गद्य का, द बेस फॉर लिविंग, द बेस फॉर लिविंग। लिविंग माने रहन सहन या जीवन, पेस माने गति, जीवन की गति या जीवन के लिए गति आप कर सकते हैं, रहन सहन की गति भी बोल सकते हैं, जीवन की गति। लिखा हुआ है आरसी हचिंसन के द्वारा। हचिंसन, आप लेसन और उसका लेखक या कवि का नाम, राइटर और पोएट का नेम, इसको भी याद करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है, द पेस फॉर लिविंग का मतलब हो गया जीवन की गति, रहन सहन की गति। आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें मीनिंग आप लिख सकते हैं पेस माने कदम होता है, कदम या गति। लिविंग माने रहन सहन या जीवन। जीवन माने कमजोर दिल या ऐसा दिल जो अपनी भावना को व्यक्त न कर सके, कमजोर दिल या ऐसा दिल जो अपनी भावना को व्यक्त न कर सके। पेंसिल फुल कल्पनाशील, कल्पनाशील, डिस्पेयर माने निराशा, इंचेंटिंग माने आकर्षक, इलुस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल उदाहरण, एड्योर माने पूजा करना, प्रशंसा करना, पूजा करना, सुपरफिशियल आधारहीन, इसका कोई आधार ना हो, आधारहीन, प्रीजुडिस पक्षपात पूर्ण, पक्षपात पूर्ण, डिवास्टेटिंग ट्रस्ट खराब, ट्रस्ट
रंगीन बाल बाल और नीली आंखों वाली सुंदर युवती ने लड़की इसको ब्लॉन्ड वैसी लड़की जिसके बाल रंगीन हो और आंखें नीली हो और वह सुंदर हो। ब्रुनेटी काली आंखों यानी सामान्य आंखों वाली सुंदर लड़की जिसके बाद भूरे हो आंख सामान्य काली हो और सुंदर हो उसको ब्रुनेटी गुण कह सकते हैं। ये पीछे तरफ ग्रोसरी और नोट में दिया गया था, अंदर का मीनिंग नहीं आएगा तो आप पढ़ाते समय लिखते रहेंगे। हैंडीकैप एक दो को हम लिख देते हैं। हैंडीकैप माने अपाहिज, अपंग जिसको आप बोलते हैं, वैसा व्यक्ति जिसका कोई अंग खराब हो, आंख खराब हो, कान खराब हो, पैर खराब हो, हाथ खराब हो, उसको हैंडीकैप। ऑब्वियसली माने अस्पष्ट या निश्चित रूप से। अस्पष्ट या निश्चित रूप से इनलाइटेनमेंट माने ज्ञान। ज्ञान विस्पर माने भुनभुनाना, धीरे से बोलना कान में, भुनभुनाना या धीरे से कान में बोलना। रिपार्टी माने व्यंग उक्ति, व्यंग उक्ति का परिचय का मीनिंग हम नहीं लिखे हैं। इतना मीनिंग लिखे हैं और लिखना चाहेंगे तो आप बुक से पढ़ाते समय लिखते जा सकते हैं। केश माने कदम या गति, ये दिन माने रहन सहन या जीवन, दीप्ति माने कमजोर दिन, वैसा दिन जो अपनी भावना को व्यक्त न कर सके। एनसी फूल माने कल्पनाशील, डिस्पेयर माने निराशा, इनसे एनजी माने आकर्षक,
इलुस्ट्रेशन उदाहरण एडियोर पूजा करना सुपरफिशियल आधारहीन प्रिजुडिस पक्षपात पूर्ण डिफास्टेटिंग भ्रष्ट ब्लॉन्ड रंगीन बाल और नीली आंखों वाली सुंदर लड़की भूरे बाल तथा काली आंखों वाली सुंदर लड़की हैंडीकैप्ड अपाहिज या अपंग ऑब्वियसली स्पष्ट निश्चित रूप से इनलाइटनमेंट ज्ञान इस पर गुनगुनाना रिपार्टी व्यंगोक्ति रखेंगे सभी बच्चे तभी आप लाइन बाय लाइन मीनिंग देख सकते हैं अन्यथा आप नहीं देख पाओगे मीनिंग उतार लो एक मिनट में फिर पढ़ाते हैं फॉर लिविंग आरसी हटिंगसन का लिखा हुआ है आरसी हटिंगसन का जीवनी दिया है देखिए ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट नॉवलिस्ट माने उपन्यासकार ब्रिटिश माने अंग्रेज ब्रिटेन का ये अंग्रेज उपन्यासकार हैं एग्जीबिट्स प्रदर्शित करते हैं या रोशनी डालते हैं ऑन एक्सेप्शनल अलग ढंग का क्लियर तरीके का और टचिंग स्पर्श करने के लिए द सेंसिटिव इशूज संवेदनशील मामलों को ऑफ द कम टेम्प्रोरी सोसाइटी समकालीन समाज में समकालीन का मतलब होता है उस समय जिस समय ये हुए थे जिस समय इन्होंने लेख लिखा था उस समय के समाज में जो महत्वपूर्ण विषय थे उनके बारे में रोशनी डालने के लिए इन्होंने अलग ढंग का एक अलग तरीका विकसित किया था विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन इसके सारे विरोध एंड पैराडॉक्सेज और विरोध मतों के साथ समाज में जितने विरोध और अंधविश्वास थे उन सबके विरोध में इन्होंने लिखा था इन द पेस्ट फॉर लिविंग जो आपका पार्ट है उसके बारे में दे रहा है आरसी हटिंगसन कैप्चर्स दिखाते हैं कैप्चर माने पकड़ना लेकिन यहाँ दिखाना द एगोनी माने समस्या या दुख इस पार्ट में आरसी हटिंगसन दिखाते हैं दुखों को समस्याओं को ऑफ मॉडर्न मैन आधुनिक व्यक्ति के जो आधुनिक व्यक्ति होता है उसकी दुख और समस्या को इस पाठ में आरसी हटिंगसन ने रखा ही ब्रिंग्स आउट माने वो ढूंढते हैं खोज निकालते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे तेज गति किसकी तेज गति मानव की थिंग्स चीजों की ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं की सबकी गति तेज हो गई है मानव चीज और वस्तु सबका जो गति तेज हुआ है उस तेज गति ने कैसे हार्ट चोट पहुंचाता है द नॉर्मल राज नॉर्मल माने सामान्य राज माने जीवन को सामान्य जीवन को दुख पहुंचाता है एंड एक्सर्ट्स और डालता है अनड्यू प्रेशर अनावश्यक दबाव डालता है ऑन मेन मानव पर वुमेन महिलाओं पर एंड चिल्ड्रेन और बच्चों पर इस पार्ट में आरसी हटिंगसन यही दिखाने की कोशिश किए हैं कि आज जो है मानव का जीवन चीजों का जीवन वस्तुओं का गति मानव की गति चीजों की गति वस्तुओं की गति काफी बढ़ गई और इसके गति बढ़ने से जो मानव का सामान्य जीवन है वह दुख उठा रहा है और यह तेज गति पुरुष के महिला के और बच्चों के जीवन पर अनावश्यक दबाव डालता है वह दबाव कैसे डालता है इसके लिए इस पाठ को देख के आपको समझ में आएगा कि कैसे आज तेज गति के कारण लोग परेशान हैं आज आपका भी जीवन बहुत तेज हो गया
पहले जो बच्चे होते थे खेलते कूदते थे 10 साल 12 साल 15 साल का होते थे तब स्कूल जाते थे, तब क ख ग घ पढ़ते थे, एबीसीडी पढ़ते थे। और आज बच्चा मम्मी पापा बोलना सीखा या नहीं सीखा, वेयर इज योर नोज, नोज बोलो वो नोज दिखाओ, ईयर दिखाओ, आई दिखाओ, डीओजी डॉग बोलो, मम्मी मत बोलो, सीएटी कैट बोलो, बच्चे को सिखाया जाता है। बच्चा अभी कुछ जीवन बचपन का बिताया नहीं, मौज मस्ती लिया नहीं, स्कूल भेज दिया गया पढ़ाने के लिए, 2.5 साल का हुआ नहीं कि स्कूल जाओ, जितना वजन उसका लिए उतना वजन बैग का पीठ में टांगो और स्कूल जाओ। और इस तरह से सबको परेशानी है इस तेज जीवन से, और ऐसा जरूरी भी है आज के माहौल में, अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसका बच्चा पीछे रह जाएगा जिंदगी के दौर। तो उसी चीज को यहां दिखाया गया है कि कैसे आज तेज जीवन के कारण हर व्यक्ति कष्ट उठा। देखिए कहानी शुरू करते हैं। आई सा ए प्ले इन डुबलिन, डुबलिन एक शहर का नाम है। लेखक महोदय आरसी हचिंगसन कहते हैं, आई आई का मतलब लेखक, स्वयं अपने को पात्र के रूप में घोषित कर रहे हैं। प्ले माने नाटक, कि मैं हाल में नाटक देखा, नॉट लॉन्ग एगो माने बहुत समय पहले नहीं, माने हाल में मैंने देखा था। कहां नाटक देखा था? तो डुबलिन में। इन विच जिसमें, माने जिस नाटक में द चीफ कैरेक्टर मुख्य पात्र, नाटक जो खेलते हैं उसमें राजा रानी का पाठ अदा किया जाता है, तरह तरह के पाठ अदा होते हैं, तो उसका मुख्य पात्र था वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एल्डरली माने उम्र दराज, थोड़ा ज्यादा उम्र का, कॉर्न मर्चेंट माने मक्का का व्यापारी, यानी एक उम्र दराज मक्का का व्यापारी उस नाटक का मुख्य पात्र था जिस नाटक को इन्होंने दुबलिन में देखा था। इन एन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, या जो दुबलिन है वो क्या है, तो आयरलैंड का एक छोटा सा ग्रामीण शहर है। डुबलिन आयरलैंड का एक छोटा सा ग्रामीण शहर है। लेखक महोदय कहते हैं कि मैं वहीं पर हाल में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र था उम्रदराज मक्का का व्यापारी। आगे देखिए, ही वाज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, एंजाइटी कहते हैं चिंता को, समस्या को। तो वह जो व्यक्ति था उम्र दराज मक्का का व्यापारी, वह कई चिंताओं का व्यक्ति था, यानी समस्याओं से घिरा रहने वाला व्यक्ति था। हिज हार्ट वाज डिक्की, उसका दिल खाली था। दिल खाली था का मतलब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम नहीं था, किसी को बता नहीं सकता था अपनी परेशानी, परेशानी में रहता था। हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, एक भतीजा था उसका, वाज चीटिंग हिम, उसे धोखा दे रहा था, उसको ठग रहा था, झूठ मूठ बोल के पैसा हड़प रहा था, उसके संपत्ति को उड़ा रहा था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हैड द फैंटास्टिक नोशन, उसके पत्नी के भी विचार थे, फैंटास्टिक नोशन माने सुविचार, ऑफ स्पेंडिंग, खर्च करने का, $10 ऑन ए हॉलीडे, एक छुट्टी के दिन में अगर वो बाजार निकल गई तो $10 उस समय खर्च कर देती थी, जिस समय का यह कहानी है। ये कहानी बहुत पहले का होगा, 1800-1700 के आसपास का होगा, उस समय $10 का वैल्यू। उसका भतीजा भी उसको धोखा दे रहा था, वो धीमा सोचने वाला व्यक्ति था, चिंता से घिरा रहता था, मक्का का व्यापारी था, उसकी पत्नी के भी जीवन बहुत तेज थे, बहुत फास्ट थी, वह बाजार निकल गई तो $10 खर्च किए बिना नहीं लौटी।
और 10 करोड़ कमाने में उसको लगता है समय। तो कहने का मतलब उसके आसपास का जीवन बहुत तेज था, भतीजा था, उसकी पत्नी का, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर द पेस ऑफ लाइफ जीवन की गति वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, बहुत ज्यादा हो रहा था उसके लिए, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपने पत्नी भतीजे की जो गति थी जीवन की, उससे वो परेशान था, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एंड इन एन मोमेंट, और एक क्षण ऐसा आया नाटक में ऑफ डिस्पेयर, निराशा के क्षण में ही अटर्ड, उसने बोला, जोर से चीखा, वो पात्र था नाटक का, वो नाटक में ही बोल रहा है चीख करके, एक ग्रेट क्राई, जोर से चीख कर बोला फ्रॉम द हार्ट, उसके दिल में जितना ताकत था, फेफड़े की पूरी ताकत लगा के जोर से चीख कर बोला था नाटक में। क्या बोला था? दे टेल मी, वे मुझे बताए, माने लोग मुझे बताए, देयर्स एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज है, नाउ ऑफ दैट गोज, जो जाता है एट 1000 miles, 101,000 miles जाता है एट एन आवर, प्रति घंटे, नाउ दैट्स टू फास्ट, अब यह बहुत तेज। देखिए वो जो बूढ़ा मक्का का व्यापारी था, वो बोलना कुछ चाह रहा था, बोलना चाह रहा था कि मेरे आसपास मेरे भतीजे मेरी पत्नी का जीवन बहुत तेज हो गया है, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो सीधी भाषा का प्रयोग नहीं करता है, उलाहने भरे भाषा का प्रयोग करता है, वो सीधी अपनी समस्या नहीं करता है, इनडायरेक्ट वे में करता है, हवाई जहाज का उदाहरण देके करता है। वो कहता है कि अब हवाई जहाज की गति बहुत तेज हो गई है, जो एक घंटे प्रति घंटे 1000 माइल माने कि 1500 किलोमीटर उड़ान भर सकती है, यानी कि मशीन की गति के बारे में बता रहा है, और वो कह रहा है कि यह गति बहुत तेज है, मेरे लिए यह गति बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन वो हवाई जहाज की गति नहीं बताना चाह रहा था, वो बताना चाह रहा था अपने परिवार की गति को, लेकिन डायरेक्ट भाषा में न बोल करके इनडायरेक्ट भाषा में बोलना कुछ चाह रहा है, लेकिन उदाहरण कुछ कर दे रहा है। और समय है अभी, अगला पैराग्राफ देखिए, एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ लिए। अब लेखक महोदय कहते हैं, और मी मेरे लिए, मी का मतलब लेखक कहते हैं, मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इनचेंटिंग लाइन, वह सबसे आकर्षक लाइन थी। कौन लाइन? कि लोग मुझे बताएं, एक हवाई जहाज है जो आप प्रति घंटे 1000 माइल से ज्यादा तेज चलती है, या मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है, या जो लाइन बोला था नाटक में मक्का के व्यापारी ने, उस लाइन के बारे में लेखक कह रहे हैं कि यह मेरे लिए सबसे आकर्षक लाइन थी उस नाटक का। द मैन्स कंप्लेंट, उस व्यक्ति का शिकायत, एक तरह से शिकायत किया था उस व्यक्ति, कौन व्यक्ति ने? मक्का के व्यापारी ने, वाज सो ग्लोरियसली, काफी गौरवशाली था उसका शिकायत, इरिलीवेंट, विपरीत टू हिज ऑन सिचुएशन, उसके अपने स्थिति के विपरीत बहुत बड़ा शिकायत था। उसकी स्थिति क्या थी? वह धीमा सोचने वाला था, धीमा गति से चलने वाला था, उसके आसपास का जीवन बहुत तेज हो गया था, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो अपने स्थिति के विपरीत जो उसने शिकायत किया था, उस शिकायत को बहुत आकर्षक मानते हैं कौन? लेखक। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावे, बेइंग कॉमिक, या मजाकिया टाइप का था, मैंने वो कहना कुछ चाह रहा था, लेकिन कहा कुछ तो उलाना था, उलाने भरे शब्दों में कुछ लोग करते हैं ना, कभी कभी खाना बनता है घर में, दाल में नमक ज्यादा पड़ जाता है, तो पापा कहते हैं, अरे नमक तुम कम डाली होगी, और थोड़ा डाल देती तो अच्छा रहता, इसका मतलब उलाहना, नमक ज्यादा है लेकिन वो बता रहे हैं कम, तो यहां पर भी वही स्थिति है।
मक्का का व्यापारी का गति बहुत कम है, लेकिन वो उदाहरण दे रहा है हवाई जहाज की तेज गति का, बताना चाहता है जीवन की गति को, लेकिन बता रहा है हवाई जहाज की गति को, उल्टा उदाहरण दे रहा है, बोला आदमी बड़े सर। तो यह कॉमिक था, इट स्ट्रक, लेकिन इसने चोट किया मी, मुझे, एज ए परफेक्ट इलुस्ट्रेशन, एक सही उदाहरण के रूप में उसने लिया, इसने लिखा, यह एक उदाहरण है ऑफ द वे, तरीके का, द आयरिश, आयरिश माने आयरलैंड वाले, गेट एट सबटल ट्रूथ, सबटल ट्रूथ का मतलब होता है परम सत्य, कि आयरलैंड वाले कैसे परम सत्य तक पहुंचते, इसका यह एक उदाहरण है। उल्टा बोलकर पहुंचते, सीधा बोलकर नहीं बल्कि उल्टा बोलकर, किसने समझा, लेखक, बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, अधिकतर असामान्य पहुंच के द्वारा लोग परम सत्य तक पहुंचते हैं। उसको कहना चाहिए था कि मेरे आसपास का जीवन बहुत तेज हो गया है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो सीधे शब्दों में ना कर करके हवाई जहाज का उदाहरण देता है और कहता है उसकी गति बहुत तेज हो गई है जो बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से अलग ढंग से बोलकर कहना कुछ चाहते हैं लोग, लेकिन कहते कुछ है, और ऐसा उल्टा बोलकर लोग परम सत्य तक पहुंचने का तरीका शायद आयरलैंड वालों का है, ऐसा लेखक ने एक उदाहरण सुना। यह एक उदाहरण है कि आयरलैंड वाले इसी तरह बोल करके परम सत्य तक पहुंचते हैं। यू सा, आपने देखा, आप लेखक महोदय आपसे और हमसे कह रहे हैं, व्हाट द ओल्ड फूल मींस, वह बूढ़ा मूर्ख क्या कहता था, वो बूढ़ा मूर्ख क्या कहना चाहता था, यह आपने देखा, लेखक महोदय कहना चाहते हैं हमसे और आपसे, तो बूढ़ा मूर्ख क्या चाहता था, वो कहना चाहता था मेरे आसपास का जीवन, मेरे भतीजे का जीवन, मेरी पत्नी का जीवन बहुत तेज हो गया जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो सीधे शब्दों में न कह करके हवाई जहाज का उदाहरण देता है, दूसरे तरफ से रास्ता अपनाता है और परम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, और वह कहता है कि हवाई जहाज की गति बहुत तेज हो गई है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, अब कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां तक आप देख लीजिए पेज नंबर 4 का 2 लाइन पढ़ें, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। अब कल पढ़ेंगे तो पाठ प्रतिज्ञा में जाएगा, क्योंकि केवल डायरेक्ट पढ़ाना है, मीनिंग आप अपना याद करेंगे होमवर्क के रूप में।